तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्यवंशी फिल्म जो है वो रिलीज होते होते रह गई। अगर दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म रिलीज हो जाती तो अब तक कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना सकती थी, आप खुद ही सोच सकते हो, और इसका आंकड़ा जो है अनलिमिटेड चला जाता। अब दोस्तों, ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम बताने वाले हैं सूर्यवंशी फिल्म की, जो कि काफ़ी धमाकेदार होने वाली हैं और फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। अब दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले फैक्ट्स की, तो दोस्तों आपको बताते चले कि रोहित शेट्टी की ये 13 फिल्म है, यानी कि 13वीं फिल्म ये रोहित शेट्टी बना रहे हैं, और बाकी जो 12 फिल्में थी वो सारी की सारी मैक्सिमम फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। अब दोस्तों, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि सूर्यवंशी जो फिल्म है ये भी सुपर डुपर हिट साबित होगी, क्योंकि रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें नेक्स्ट चीज की, तो आपको बता दें कि कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार जो हैं काफ़ी साल बाद एक साथ नज़र आने वाले हैं, और एक साथ जब ये लोग नज़र आ रहे हैं काफ़ी साल बाद, तो ये फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी को पसंद करती आई है पब्लिक, तो अब एक साथ देखने में काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी धमाकेदार होगा। वही दोस्तों, अगर बात करें नेक्स्ट फैक्ट की, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का धमाकेदार गाना होने वाला है टिप टिप बरसा पानी इस फिल्म के अंदर, जो कि काफ़ी प्रमोशंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और लोग जो हैं गाने को सुन के ही इस फिल्म को देखने जाएंगे। और दोस्तों, टिप टिप बरसा पानी जिस तरीके से काफ़ी बड़ा गाना था, काफ़ी सुपर डुपर हिट गाना था, उसी से ये पता लगाया जा सकता है कि ये फिल्म को कितना ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। साथ ही साथ फिल्म को अगर इस गाने की पूरी राइट मिलती है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और कितनी बेहतरीन फिल्म बनेगी। अब दोस्तों, बात करें अगर नेक्स्ट फैक्ट की, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एक साथ जब रणवीर सिंह, अजय देवगन और सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार जब लास्ट में एंट्री करेंगे, यानी कि लास्ट में जब तीनों की एंट्री होगी धमाकेदार तरीके से, तो यार पब्लिक जो है सीटियां मारते मारते थक जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से अगर तीन तीन हीरो एक साथ आएंगे तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धमाका मचेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो फिल्म की थी। अब आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय जो है उसको जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।